इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कीनिया में कत्ल होने वाले सहाफी अरशद शरीफ की वालदा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाए गए इंक्वायरी कमीशन को वजीर आजम शहबाज शरीफ के अपनी जारी करदा बयान से मुतसादिम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अपने एक बयान में अरशद शरीफ की वालदा ने मुतालबा किया है कि उनके बेटे के बेईमाना कत्ल पर सियासत ना खेली जाए, बल्कि एक हाई पावर जुडिशियल कमीशन या अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कमेटी पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील दिया जाए, ताकि इंक्वायरी कमीशन पर खानदान और सहाफी बरादरी का इस्तेमाद कायम हो सके। जिस कर्ब से अरशद शरीफ का खानदान गुजर रहा है, उसमें मजीद इजाफे की बजाय इंसाफ की मुकम्मल फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। अरशद शरीफ की वालदा ने PFUJ समेत मुल्क भर की सहाफी बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि शहीद अरशद शरीफ का खून ना हक किसी भी सूरत रायगा ना जाने देंगे और भरपूर किरदार अदा करेंगे।